अगर आपने भी सुभद्रा योजना का फॉर्म भर दिया है या भरने जा रहे हैं और ये फॉर्म भरने से आपके साथ क्या होने वाला है, मेहमानों के लिए चल रही है ये साजिश, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर, बने रहे एंड तक। दोस्तों मैं हूँ फाजिल मिर्जा और आप देख रहे हैं टेक मिर्जा 2017 यूट्यूब चैनल। तो आप भी अगर अपनी नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये वीडियो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप अपना 2 मिनट का टाइम देके इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको आपके मन में सब कन्फ्यूजन दूर हो जाए और ये मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार ने सुभद्रा योजना के नाम से सरकारी स्कीम निकाली है जिसके तहत बताया जा रहा है कि हर एक महीने आपके अकाउंट में 5,000 रुपये तक आएंगे और टोटल 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। तो सरकार ये पैसे हमें क्यों दे रही है और क्या पॉलिटिक्स चल रही है, आपको पता हो तो। नई सरकार ने नए कानून के लिए अप्लाई करने के लिए सेंट्रल में बिल दिया है जिसमें लोगों की प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी एक कानून है। इसका सीधा सीधा निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है। वक्त नाम से बिल है जिसमें बताया गया है कि एक उनके जितने भी धर्म स्थल हैं, जितने भी उनके हक में कानून है, वो सब अब मुसलमान नहीं गैर मुसलमान देखेंगे। इसे समझ सकते हैं कि हमारे मदरसे और मस्जिद के साथ क्या होने वाला है। पहले ही बहुत सी चीज़ें सुनने और देखने को मिल रही हैं कि कहीं मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कहीं कुरान शरीफ को जला दिया गया है, कहीं हम नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है और अब ये कानून लागू होने के बाद आप लोग समझ ही सकते हैं कि हम लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सुभद्रा योजना की क्यों इस फॉर्म को भराया जा रहा है, आप फॉर्म को गौर से देखेंगे कि फॉर्म के पीछे साइड में लिखा है ये सब आप अपनी मर्जी से भर रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, डाउट नंबर वन। और डाउट नंबर टू, इसके पीछे साफ साफ लिखा है कि आप अपना आधार और बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर जिसमें हर प्रकार की OTP आती है और वो सब सरकार के साथ जोड़ रहे हैं, यानी यूज़ करने के लिए दे रहे हैं आप सरकार को। साफ साफ बात की जाए तो आप बोलेंगे इसमें तो हाथ जोड़ने को कहा ही नहीं है। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये फिशिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जो आम लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आएगा, गौर से देखेंगे तो समझ आएगा। आप 5,000 के चक्कर में आप अपना सब कुछ सरकार को दे रहे हैं, इससे ये होगा टाइम आने में आप लोगों को आपकी जगह से ही हटा दिया जाएगा, चाहे आप वहाँ पे 200 साल से रह रहे हों। सीधी सीधी बात की जाए तो आपको 50,000 रुपये देकर आपकी रेजिडेंसी ले ली जाएगी जिसमें आपको निकाल कर बाहरी हिंदू जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली हिंदुओं को दी जाएगी। मुझे अफसोस है कि कोई चीज़ें फ्री कोई दे रहा हो तो वहाँ हमारे मुसलमान ज़्यादा तादाद में होते हैं और कुछ भी नहीं समझते, ना ही सोचते, सोचे समझे लाइन में लग जाते हैं और जो भी चीज़ पे फॉर्म दिया जाता है उसको बिना पढ़े बिना समझे साइन कर देते हैं और जिसका सरकार फ़ायदा उठा रही है क्योंकि ये पढ़ते लिखते कुछ भी नहीं है, समझते कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जो है फ्री की चीज़ें मिल रही हैं तो लाइन में लग जाते हैं, इसी चीज़ का जो फ़ायदा सरकार उठा रही है। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप इस वीडियो को अपने परिवार और रिश्तेदार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करें। मेरी बात आपको अगर बकवास झूठी लगती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मिलते हैं अगली वैसी वीडियो में जब